गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फाइव का मैथ्स पढ़ेंगे। चैप्टर वन है मोर अबाउट लार्ज नंबर्स। ये लार्ज नंबर्स क्या है? वैसे नंबर जिसमें चार से ज़्यादा डिजिट होंगे, चार से ज़्यादा डिजिट वाले नंबर्स लार्ज नंबर्स कहलाते हैं। तो लार्ज नंबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सब देखेंगे। जैसे 7321, ये चार डिजिट का नंबर है, 7321। और इससे ज़्यादा डिजिट का अगर हम नंबर लें, जैसे एक जीरो इसमें लिख देते हैं, फाइव डिजिट का हो गया, ये हो गया 73,210। तो ये लार्ज नंबर्स है। तो इसी तरह से हम लार्ज नंबर्स पे के बारे में सारा जानकारी लेंगे, पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लार्ज नंबर्स के बारे में समझ गए होंगे कि लार्ज नंबर्स क्या है? नंबर्स मोर देन फोर डिजिट। चलिए अब देखते हैं कि किसी भी नंबर को लिखने के लिए हम दो नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, एक इंडियन नंबर सिस्टम और एक इंटरनेशनल। तो पहले हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन से देखते हैं। तो इंडियन सिस्टम से नंबर को लिखने के लिए हमें प्लेस वैल्यू चार्ट का ज्ञान होना चाहिए, प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। प्लेस वैल्यू क्या होता है? किसी भी नंबर में हर डिजिट का एक प्लेस वैल्यू होता है और सभी प्लेस वैल्यू को ग्रुपिंग किया होता है, जिसको अलग अलग पीरियड्स के नाम से हम जानते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, पहले समझ लेते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में इंडियन सिस्टम के अनुसार कौन कौन से प्लेस वैल्यू होते हैं और पीरियड्स कौन कौन से होते हैं। तो पहले ये इंडियन सिस्टम के अनुसार बता रहे हैं, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में। पहले होता है वंस, फिर टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़ और टेन करोड़। तो ये सब प्लेस वैल्यू हैं। हर एक प्लेस वैल्यू पे एक डिजिट होता है, हर एक डिजिट का एक प्लेस वैल्यू होता है। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर में पढ़ते हैं, वंस, टेन, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, टेन करोड़। तो इसमें जो पहला तीन प्लेस वैल्यू है, इसको एक ग्रुप में रखा गया, एक पीरियड उसका नाम दिया गया वंस। ये वंस पीरियड है, इसमें पहले तीन प्लेस वैल्यू को रखा जाता है, वंस, टेंस, हंड्रेड को। फिर थाउजेंड और टेन थाउजेंड, ये दोनों प्लेस वैल्यू को दूसरे पीरियड में रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं थाउजेंड। उसी तरह से अगले दो प्लेस वैल्यू लाख और टेन लाख को एक पीरियड में रखा जाता है, जिसका नाम है लाख। और टेन करोड़ और टेन करोड़ को एक पीरियड में रखा जाता है, जिसका हम बोलते हैं करोड़। इस तरह से प्लेस वैल्यू को एक ग्रुप में, अलग अलग ग्रुप में बांटा जाता है और उस ग्रुप को हम पीरियड्स कहते हैं। तो हर पीरियड के बीच में, हर दो पीरियड के बीच में हम कॉमा का यूज करते हैं, उसको अलग करने के लिए, बड़े नंबर्स को सही से पढ़ पाएँ, सही से यूज कर पाएँ, उसको दिक्कत नहीं हो, इसलिए हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे कोई बड़ा नंबर है, एग्जांपल हम ले लेते हैं 270582। अब ये सेवन डिजिट का नंबर है, लार्ज नंबर है। अब इसको पढ़ने में ऐसे दिक्कत होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें कॉमा लगा देते हैं, ताकि पढ़ना आसानी हो जाता है कि कौन सा पीरियड है, कौन सा प्लेस वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं कि दो पीरियड को कॉमा से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि पहला जो इधर से वंस टेंस पढ़ा जाता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, ये तीन प्लेस वैल्यू को एक पीरियड में रखा गया, जिसका नाम है वंस। तो ये वंस पीरियड है। उसके बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड, ये थाउजेंड पीरियड में आता है। तो ये वंस पीरियड और थाउजेंड पीरियड को अलग करने के लिए हम यहाँ कॉमा लगाते हैं।
ये वंस पीरियड हो गया, अब ये है थाउजेंड पीरियड, थाउजेंड टेन थाउजेंड, उसके बाद है लाख टेन लाख। तो थाउजेंड और लाख ये दोनों पीरियड को अलग करने के लिए फिर इनके बीच में कॉमा का यूज करते हैं। अब इसको पढ़ना आसानी है, ये वंस पीरियड थाउजेंड पीरियड है, उसके बाद लाख पीरियड है, तो हम इसको बोलेंगे 27,05,892। कॉमा लगाने से पढ़ना आसान हो गया, तुरंत पढ़ सकते हैं। तो हम कॉमा का इसलिए यूज करते हैं दो पीरियड्स को अलग करने के लिए, और उससे हमें नंबर्स को, लार्ज नंबर्स को पढ़ने में आसानी होता है। तो इंडियन सिस्टम के अनुसार ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है, इसी को हम प्लेस वैल्यू चार्ट के रूप में इस तरह से एक टेबल बना लेते हैं, और इस टेबल में इस तरह से हम लिखते हैं, ये हमारा पीरियड है, ये प्लेस वैल्यू है, अब किसी भी नंबर को अगर लिखना हो तो हम इसमें डिजिट रखते हैं, जैसे कोई भी बड़ा नंबर है 725091, तो पहले 1 को हम यहाँ लिखेंगे, फिर 90527, तो इस तरह से ये दिए हुए नंबर को हम प्लेस वैल्यू चार्ट में रखें, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में। इसी तरह से अगर आपको नंबर दिया जाएगा और उसको इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखने को कहा जाएगा, तो इस तरह से हम इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बना लेंगे और हर एक नंबर का प्लेस वैल्यू के अनुसार उसमें डिजिट रखेंगे। तो ये था आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। चलिए अब है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उसके अनुसार इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे। जैसे इंडियन सिस्टम में हम देखे थे कि वंस पीरियड होता है, फिर उसमें थाउजेंड पीरियड्स होते हैं, उसके बाद उसमें लाख होते हैं, इसमें मिलियंस होता है, उसके बाद बिलियंस। तो अभी इतना ही पढ़ना है, इसके आगे ट्रिलियंस भी होते हैं, लेकिन अभी हम ये चार पीरियड ही देखेंगे। अब ये पीरियड हो गए, हर पीरियड में तीन प्लेस वैल्यू होता है, जैसे वंस पीरियड में वंस, टेंस और हंड्रेड, ये तीन जो प्लेस वैल्यू है इनको एक ग्रुप किया गया, जिसको जिसका पीरियड का नाम दिया गया वंस। उसी तरह से फिर अगला जो डिजिट होता है किसी नंबर में वो भी होता है 1,000, 10,000, 100,000, ये तीन प्लेस वैल्यू को एक थाउजेंड्स पीरियड में रखते हैं। उसी तरह से 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, फिर बिलियन में भी तीन होते हैं, 1 बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो इस तरह से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार तीन तीन डिजिट के बाद एक पीरियड आते हैं, और जैसा कि बताए थे दो पीरियड को अलग करने के लिए उनके बीच कॉमा का यूज करते हैं, कॉमा से सेपरेट किया जाता है दो पीरियड्स को। तो हम इसमें अगर कोई नंबर है और उसमें कॉमा यूज करना है तो हर तीन डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, कोई नंबर है 27908543,
तो अब हम देखें प्लेस वैल्यू इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार वंस टेंस हंड्रेड, ये तीन डिजिट एक वंस पीरियड में आता है, उसके बाद फिर थाउजेंड्स पीरियड आएगा जिसमें वन थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड। तो ये दोनों पीरियड को अलग करने के लिए इनके बीच में हम कॉमा का यूज करेंगे। ये हो गया थाउजेंड, उसके बाद फिर आएगा मिलियंस, तो थाउजेंड और मिलियन को अलग करने के लिए फिर कॉमा का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये वंस पीरियड है, थाउजेंड पीरियड और मिलियन पीरियड, और हर एक पीरियड के बीच में कॉमा का यूज करते हैं। इस तरह से इसको हम पढ़ेंगे 27 मिलियन 908 थाउजेंड्स एंड 543। तो कॉमा लगाने से पढ़ने में आसानी हो जाता है, जल्दी हम समझ जाते हैं और आसानी से पढ़ लेते हैं। तो इस नंबर को अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना चाहेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में, तो पहले इस तरह से टेबल बना लेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का, और फिर इसमें दिए हुए नंबर को जो भी डिजिट है उसके सही प्लेस वैल्यू के कॉलम में लिखेंगे। तो इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे 3 4 5 3 वंस में 4 5, नेक्स्ट 8 0 9 7 2। इस तरह से ये पहला नंबर हो गया, और दूसरा नंबर रहेगा तो फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे और नेक्स्ट आगे वाले रो में लिखेंगे। तो इस तरह से हम इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार किसी नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट बना के उसमें लिख सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। एक नंबर लेते हैं 275042, ये नंबर है, और इंडियन सिस्टम के अनुसार अगर यहाँ कॉमा लगाते हैं तो ये 2,75,042 है। अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए कैसे लिखेंगे हम, तो हम क्या करते हैं कि ये हर एक डिजिट का हम देखते हैं प्लेस वैल्यू कहाँ पे है। ये तो हम देख रहे हैं कि ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, ये लाख पे है, ठीक है। तो 2 लिख दिए, अब इसके बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 डाल देंगे, आसान समझने के लिए आसान भाषा में इस तरह से। ये 2 लाख है तो हम क्या किए 2 लाख लिखे, 2 के बाद हम 50 दिए, फिर प्लस नेक्स्ट डिजिट का लिखेंगे प्लेस वैल्यू 7 10,000 पे है, तो 7 10,000 यानी 70,000, फिर प्लस 5,000 पे है 5,000, फिर प्लस 0,100 पे है तो 0,100। अब 100 पे 2 जीरो आता है तो 0 पे 2 जीरो देंगे, वैल्यू 0 ही होगा इसलिए हम केवल 0 ही लिखेंगे, फिर प्लस 4 टेंस 40 होता है, 4 टेंस 40, फिर प्लस 2 वंस, तो 2 वंस 2 होगा। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हर एक डिजिट का जो प्लेस वैल्यू है उस प्लेस वैल्यू से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाता है। फिर से समझा देते हैं, इसी को हम डायरेक्ट लिखे थे आसानी से समझने के लिए, अब इसी को अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिखे तो क्या करेंगे 2 इन 2 किस प्लेस पे है, लाख प्लेस पे है, तो लाख से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस 7 किस प्लेस पे है, 10,000 पे है, इसमें 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस 5 किस प्लेस पे है, 1,000 पे है, तो 1,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 0 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस
फोर टेंस प्लेस पे है तो टेन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस टू वंस प्लेस पे है तो वंस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 लाख ये हो जाएगा 70,000, ये हो जाएगा 5,000, ये हो जाएगा 0 प्लस 40 प्लस 2। तो जैसा आप पहले बताए थे वही चीज आया, लेकिन अगर सिस्टमेटिक तरीके से देखें तो इस तरह से लिखकर एक्सपेंडेड फंड में लिखा जाता है। और अगर हम समझ रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है तो डायरेक्ट इस तरह से हम लिख सकते हैं मन में कैलकुलेशन करके। तो किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फंड यही है, उसको एक्सपेंड कर देते हैं अलग अलग, हर डिजिट का प्लेस वैल्यू के अनुसार अलग अलग प्लस करके हम लिखते हैं, तो यही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो दिए हुए एक्सपेंडेड फॉर्म का ही शॉर्ट फॉर्म, यानी इसी को वापस अगर ऐड करें तो ये जो आएगा यही इसका शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म का ही ऐड किया हुआ शॉर्ट फॉर्म को ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो जो भी नंबर होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है और उसको हम प्लस करके इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं, और कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा एक्सपेंडेड फॉर्म दिया रहता है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसको हम फिर वापस ऐसे लिखेंगे, तो ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। तो ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गया होगा। अब एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कैसे आसानी से लिखेंगे, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देख लेते हैं, अब यहाँ पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है नंबर, इसको हमको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है या कहें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, अब देख रहे हैं कि ये क्या है, वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड लाख, टेन लाख, एक टेन लाख पे है। तो इसको लिखने के लिए पहले हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। अगर वो समझ में आ रहा है तो बाद में लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन सब पहले समझने के लिए सीखने के लिए पहले हम लिख लेंगे वंस टेन हंड्रेड थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, ऐसा लिखने से हमें आसानी होगा। अब देखें कि ये कितना नंबर है, किस प्लेस पे आ रहा है, ये डिजिट जीरो को छोड़कर जो डिजिट रहेगा वो उसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो ये सेवन टेन लाख है, तो हम सेवन को क्या लिखेंगे, टेन लाख नीचे लिखेंगे। उसी तरह से हम इसको देखते हैं, एट लाख है तो हम एट को कहाँ लिखेंगे, लाख वाले प्लेस वैल्यू के नीचे। अब यहाँ देखते हैं 5,000 है, अब लाख के बाद 10,000 होता है लेकिन यहाँ पे 1,000 है, तो हम 5 को कहाँ लिखेंगे, 1,000 के नीचे। उसके बाद है 900, तो ये हम 100 के नीचे लिखेंगे 9, और उसके बाद है 7, तो टेंस आता है लेकिन इसमें टेंस है नहीं, 7 वंस है, 7 बजा 7, तो 7 को वंस वाले पे लिखेंगे। अब बीच में दो प्लेस वैल्यू हमको खाली है तो यहाँ पे क्या करेंगे, जीरो डाल देंगे, तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, इस तरह से 78,5907 ये हमारा नंबर बना। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू को ऊपर में लिखकर और उसके ठीक नीचे उसका डिजिट लिखकर भी इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि दो लार्ज नंबर्स को कंपैरिजन करना, कंपेयर करना, छोटा बड़ा का पता लगाना। तो उसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमें दो नंबर दिया हुआ है, एक ये नंबर है, एक और नंबर है,
चलिए अब हम कैसे जानेंगे कि कौन बड़ा है, तो नंबर को कंपेरिजन करने के लिए सबसे पहले हम नंबर में देखेंगे कि डिजिट कितने हैं। हम इस नंबर में देख रहे हैं कि 5 डिजिट है और इस नंबर में 6 डिजिट है, तो जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होगा वो बड़ा होगा, इसका मतलब ये बड़ा है तो और ये छोटा है। तो पहला वाला नंबर जो छोटा है तो उसके लिए हम लेस देन साइन का यूज करेंगे, तो ये है लेस देन साइन, यानी कि ये नंबर दूसरे वाले नंबर से छोटा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उसी तरह से कोई और भी, मान लीजिए कि ये तो डिजिट में अंतर था, एक 6 डिजिट का था एक 5 डिजिट का था, तो जिसमें ज़्यादा डिजिट होगा वो बड़ा होगा। लेकिन अगर सेम डिजिट का रहे, जैसे 72089 ये है 5 डिजिट का, एक और 5 डिजिट का नंबर लेते हैं जैसे 64921, अब इसमें भी 5 डिजिट है इसमें भी 5 डिजिट है, तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू, ठीक है, सबसे लास्ट में जो प्लेस वैल्यू है कौन है, 1, 10, 100, 1000, 10000, 10000 पे यहाँ पे 6 है और यहाँ 10000 पे यहाँ 7 है। तो हम सेम प्लेस वैल्यू वाले जो सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू दोनों में होगा उसको कंपेयर करेंगे, तो इसमें बड़ा कौन हुआ, दोनों में 7 बड़ा है, इसका मतलब ये बड़ा होगा ये नंबर छोटा होगा, इस तरह से हम इसको लिखेंगे ग्रेटर देन 72089 इज ग्रेटर देन 64921। उसी तरह से अगर हमें और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब यहाँ पे 5 डिजिट का है, ये भी 5 डिजिट का है, जैसा बताए थे पीछे कंपेयर करने के लिए पहले सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे उस पर कौन सा डिजिट है, तो दोनों में 10000 पे 2 है, अगर ये सेम है तो फिर अगले वाले प्लेस वैल्यू पे देखेंगे 1000 प्लेस पे कौन है, दोनों में 1 है, फिर अगले वाले पे देखेंगे 100 प्लेस पे दोनों में 7 है, फिर 10th प्लेस पे दोनों में 2 ही है सेम, और 1th प्लेस पे भी 0 है, यानी हर एक प्लेस वैल्यू पे सेम डिजिट है, इसका मतलब दोनों नंबर इक्वल है, तो इक्वल साइन देंगे। नेक्स्ट है असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर, तो किसी नंबर को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले हम देखते हैं असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता क्या है, बढ़ते क्रम में लिखना, यानी कि छोटे से बड़े नंबर को लिखेंगे, सबसे छोटा पहले और सबसे बड़ा नंबर सबसे बाद में। अगर कोई 4-5 नंबर दिया हुआ है तो उसको अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए कहा जाए यहाँ पे 5 नंबर दिया हुआ है, लार्ज नंबर्स हैं, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे छोटा नंबर से सबसे बड़ा नंबर, यानी दिए हुए नंबर में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे। तो छोटा बड़ा कैसे पता करना है हम जस्ट बताएं, तो हम इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं सभी नंबर में, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, इसमें 5 डिजिट है इसमें भी 5 है, इसमें 6 है और इसमें भी 6 है, तो ये दोनों 5-5 डिजिट वाले, यानी वो दोनों की तुलना में ये छोटा है। अब 5 डिजिट दोनों में है तो इसको फिर कंपेयर कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ा जो प्लेस वैल्यू है उस पर कौन सा डिजिट है, इसमें 7 है इसमें 9 है, इसका मतलब ये छोटा है, तो सबसे छोटा ये नंबर है पहले इसको लिख लेंगे 72078। उसके बाद हम लेस देन सिंबल का यूज करेंगे, लेस देन साइन का, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए लेस देन साइन का यूज करेंगे। अब उसके बाद इससे बड़ा वाला, तो ये होगा इससे बड़ा क्योंकि वो दोनों 6 डिजिट का नंबर है, ये 5 डिजिट का है, ये लिख देंगे, उसके बाद फिर लेस देन साइन देंगे, फिर अब ये 6 डिजिट में ये दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो पता करना है,
तो दोनों में कौन छोटा है पता करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा जो प्लेस वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, नेक्स्ट वाला प्लेस वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, दोनों सेम है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो 1000 प्लेस पे इसमें 2 है और इसमें 7 है, तो ये छोटा है, इसका मतलब इस नंबर से ये नंबर छोटा है। तो पहले इसको लिखेंगे 402863, फिर लेस देन साइन का यूज करेंगे और फिर ये नंबर लिखेंगे। इस तरह से लार्ज नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब किसी नंबर को, किसी दिए हुए लार्ज नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जो अभी प्रोसेस किए हैं, जस्ट हमें क्या करना है उसका उल्टा। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, यानी दिए हुए नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, यानी सबसे अंत में सबसे छोटा नंबर लिखना है। तो अगर ये दिए हुए नंबर को अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है वो पता करना होगा। तो जैसे हम पहले ये उस तरह से पता कर लेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर ये है, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर ग्रेटर देन साइन का यूज करेंगे इसमें, इस तरह से ये हो गया दिए हुए नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्रीडिसेसर और सक्सेसर। प्रीडिसेसर सक्सेसर, प्रीडिसेसर का मतलब होता है पहले वाली संख्या, और प्रीडिसेसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी जिस नंबर का प्रीडिसेसर निकालना है उसमें हम 1 माइनस करते हैं तो उसका प्रीडिसेसर आ जाता है। जैसे अगर 25718 है, इसका हमें प्रीडिसेसर मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस दिए हुए नंबर में 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 25717, ये इसका प्रीडिसेसर हो गया। उसी तरह से सक्सेसर, सक्सेसर मतलब होता है बाद वाला संख्या। तो सक्सेसर निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम दिए हुए नंबर में 1 ऐड करते हैं, 1 प्लस करते हैं। जैसे यहाँ पे 25718 है और इसमें 1 ऐड करना है तो इसका सक्सेसर निकल जाएगा, 1 ऐड करने पे आ जाएगा 25719, ये इसका सक्सेसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिए हुए डिजिट से नंबर फॉर्म करना। अभी हमें अगर 3, 4 या 5 डिजिट दिया हुआ है उससे कहा जाएगा नंबर फॉर्म करने के लिए, तो किस तरह से नंबर फॉर्म करेंगे, जैसे 7, 2, 0, 5, 1, 6 ये 6 डिजिट दिया हुआ है और इससे हमें स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म करना है और ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करना है, यानी सबसे छोटा और सबसे बड़ा। तो दिए हुए डिजिट से सबसे छोटा नंबर फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे, दिए हुए डिजिट में जो सबसे छोटा डिजिट होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें सबसे छोटा 0 है, तो 0 को सबसे पहले नहीं लिखा जाता है, किसी भी नंबर में 0 सबसे आगे नहीं आता है, 0 को छोड़कर जो भी छोटा डिजिट होगा 1 से 9 के बीच सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो यहाँ 0 को छोड़ने के बाद 1 सबसे छोटा है तो 1 को लिखेंगे, उसके बाद हम 0 को रखेंगे, अगर 0 है तो, अगर 0 नहीं है तो उससे बड़ा जो भी होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ चूंकि 0 है, 0 को शुरू में नहीं लिख सकते, इसलिए पहले इसको छोड़कर जो छोटा होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ 1 सबसे छोटा है, 1 को लिखेंगे, फिर 0, उसके बाद 10 हो गया, अब है 2 उससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा है 5, फिर इससे बड़ा है 6 और फिर सबसे बड़ा है 7। इस तरह से दिए हुए 6 डिजिट से हम सबसे छोटा 6 डिजिट का नंबर फॉर्म किए
इसमें कॉमा लगाएंगे इंडियन सिस्टम के अनुसार, तो 1,02,567 ये स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर बना दिए हुए सिक्स डिजिट से। उसी तरह से ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि दिए हुए डिजिट में से जो सबसे बड़ा डिजिट होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो दिए हुए डिजिट में सबसे बड़ा डिजिट 7 है तो सबसे पहले 7 लिखेंगे, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा है 5, फिर उससे छोटा है 2, फिर उससे छोटा है 1 और सबसे छोटा 0 है जो सबसे लास्ट में लिखेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे। तो इस तरह से 7,65,210 सबसे बड़ा नंबर फॉर्म हुआ दिए हुए सिक्स डिजिट से। तो इस तरह से हम सबसे छोटा और सबसे बड़ा नंबर फॉर्म कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ करना, दिए हुए नंबर में को राउंड ऑफ करेंगे किसी प्लेस पे, जैसे टेंस में राउंड ऑफ करना है, हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करना है, थाउजेंड में राउंड ऑफ करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 7,295 है, इसको हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है टेंस में टू द नियरेस्ट टेन। पहले देखते हैं किसी नंबर को नियरेस्ट टेन में राउंड ऑफ करना। तो ये दिया हुआ नंबर है 7,295, हम लेते हैं 65। अब इसको हम नियरेस्ट टेन में राउंड ऑफ करते हैं। तो अब ये ध्यान देना है कि अगर नियरेस्ट टेन में कहा जा रहा है तो हम टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देखेंगे। टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको हम, उसके बाद का डिजिट को हम क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। ठीक है, नियरेस्ट टेन में कहा जा रहा है तो नंबर में हम टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके बाद के डिजिट को देखेंगे और उसको हटा के क्या लिखेंगे, जीरो। अगर ये डिजिट जीरो या जीरो से फोर तक कोई डिजिट है, जीरो वन टू थ्री या फोर है, तो हम टेंस प्लेस वाले डिजिट को वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे और फिर इसके बाद जो भी डिजिट होगा सेम लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर नहीं होगा, फाइव से नाइन तक कोई डिजिट होगा तो क्या करेंगे, तो उस समय हम क्या करेंगे कि इसको तो जीरो ही लिखेंगे लेकिन जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उसमें हम वन ऐड कर देंगे, यानी सिक्स है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, सेवन। तो यहाँ पे चूँकि टेंस नियरेस्ट टेन में क्या करना था, राउंड अप करना था, तो टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसके बाद वाले डिजिट को हटा के जीरो कर दिए और चूँकि ये डिजिट फाइव है, जैसा कि बताए थे फाइव से नाइन रहेगा डिजिट, तो क्या करना है, टेंस प्लेस वाले डिजिट को एक बढ़ा देना है। तो हम क्या किए कि सिक्स को एक बढ़ा दिए, सेवन कर दिए और उसके बाद वाला जो भी डिजिट रहेगा जैसे का तैसे लिखा जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइव वन टू थ्री। अब इसमें इसको नियरेस्ट टेन में राउंड अप करना है तो हम टेंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको देख रहे हैं, उसके बाद कौन सा डिजिट है, वंस प्लेस पे थ्री है, तो इसको हटा के जीरो करना है और चूंकि ये जीरो से फोर के बीच का डिजिट है इसलिए हम टेंस प्लेस वाले डिजिट को जैसे कि तैसे लिखेंगे और उसके बाद आगे का जो भी डिजिट है वैसे ही लिखा जाएगा। तो इस तरह से 5,123 को नियरेस्ट टेन में राउंड करने पे 5,120 होगा और 7,265 को नियरेस्ट टेन में राउंड अप करने पे 7,270 हुआ। आगे देखते हैं नियरेस्ट हंड्रेड में राउंड अप करना। अब किसी नंबर को नियरेस्ट हंड्रेड में राउंड अप करना है, कैसे करेंगे, एक नंबर ले लेते हैं 21567। चलिए इसको क्या करना है, नियरेस्ट हंड्रेड में राउंड ऑफ करना है। तो अब हंड्रेड में राउंड ऑफ करना है तो हंड्रेड प्लेस पे जो डिजिट है ठीक उसके बाद वाला डिजिट यानी टेंस प्लेस पे डिजिट को देखेंगे। पहले जो नियम बताए थे कि अगर ये पाँच से नौ तक, फाइव टू नाइन अगर कोई डिजिट है
तो हम क्या करेंगे, ये 100 जिसमें हमको राउंड अप करना है उसमें एक ऐड कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे और बाकी दोनों के जगह पे जीरो लिखेंगे। तो यहाँ 100 है तो इसके बाद का जो दो डिजिट है दोनों के बाद में हम जीरो लिखेंगे और 5 के जगह पे 6 लिखेंगे। उसके बाद इधर का जो डिजिट रहेगा सब सेम टू सेम लिखना है। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, 215 37। अब इसमें 100 में नियरेस्ट 100 में राउंड अप करना है तो हम क्या करेंगे कि 10th प्लेस का डिजिट देखेंगे। ये क्या है, 0 to 4 के बीच का डिजिट है तो हम इसको हटा के 0 लिखेंगे दोनों डिजिट को हटा के, और ये 5 में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, जैसे तैसे रहेगा और इसके बाद वाला डिजिट भी वैसे ही रहेगा। तो इसी तरह से हम नियरेस्ट 100 में राउंड अप कर सकते हैं। उसी तरह से हमें अगर नियरेस्ट 1000 में करना है तो यही प्रोसेस करेंगे, बस ध्यान रखना है कि जिस प्लेस में कर रहा है उस प्लेस के डिजिट को देखना है और ठीक उसके बाद का डिजिट देखना है। इसी में अगर हम एग्जांपल लें, इसी में हम 1000 में करते हैं इसी नंबर को, तो 1000 ये है, तो हम क्या करेंगे जस्ट इसके बाद का डिजिट देखेंगे। ये क्या है, 5 to 9 के बीच का डिजिट है, सबको हटा के 0 लिखेंगे और इसको बढ़ा देंगे, ये हो गया। यहाँ चलिए आगे हम देखते हैं रोमन नंबर्स। रोमन नंबर्स आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, रोमन नंबर्स में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, उसी की मदद से सारे रोमन नंबर्स लिखे जाते हैं। जैसे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 9 10 डिजिट का यूज होता है, जो 0 से 9 तक है, और वही 10 डिजिट का उपयोग करके सारे नंबर्स बनते हैं। उसी तरह से रोमन नंबर्स में भी ये जो सिंबल दिए हुए हैं इतने सिंबल का यूज होता है और इसी सिंबल की मदद से सारे रोमन नंबर लिखे जाते हैं, ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। एक बार फिर हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। जैसे रोमन नंबर में आई सिंबल का यूज होता है, जिसका डेसिमल सिस्टम में इंडो अरेबिक सिस्टम में वैल्यू होता है 1। फिर वी सिंबल का वैल्यू होता है 5, एक्स का वैल्यू होता है 10, एल का 50, सी का 100, डी का 500 और एन का 1000। ये हर सिंबल का अपना एक वैल्यू है और इसी की मदद से रोमन नंबर लिखे जाते हैं। जैसे आप पिछले क्लास में देखे होंगे कि अगर 1 2 लिखते हैं रोमन नंबर में तो किस तरह से लिखते हैं देख लेते हैं, वह फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे 1 है तो 1 के लिए सिंबल आई है, अगर हमें 2 लिखना है तो आई को रिपीट करेंगे, 2 बार लिखेंगे, यह हो गया रोमन नंबर में 2। 3 लिखना है तो आई को 3 बार लिखेंगे, रिपीट करेंगे इसको, ये हो गया 3। अगर 4 लिखना है तो हम क्या करते हैं, भी लिखते हैं और उसके पहले आई लिखते हैं, इसका मतलब 4 होता है। तो बड़े वैल्यू वाले सिंबल के आगे अगर छोटे वैल्यू वाले सिंबल को लिखते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो भी का वैल्यू 5 है और इसके पहले हम आई लिखे हैं जिसका वैल्यू 1 है, तो ये 1 जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 4 आएगा। इस तरह से 4 का आई भी होता है, ये 4 के लिए है रोमन नंबर। फिर 5 का तो भी होता है, 6 का भी आई लिखते हैं। जैसे हमने बताया कि अगर बड़े सिंबल के पहले छोटे सिंबल लिखते हैं, छोटे वैल्यू वाले सिंबल, तो वो सब्ट्रैक्ट होता है, उसी तरह से बड़े वैल्यू वाले सिंबल के बाद अगर हम छोटे वैल्यू वाले सिंबल लिखते हैं तो वो ऐड होता है। जैसे यहाँ वी आई लिखें तो वी का वैल्यू 5 और आई का वैल्यू 1 और ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ हो जाएगा 6, तो 6 का वैल्यू हो गया वी आई। उसी तरह से अगर हमें 7 लिखना है तो वी डबल आई, 8 लिखना है तो वी ट्रिपल आई, 9 लिखना है तो हम लिखते हैं आई
एक्स। तो जैसे हम बताए थे यहाँ पे एक्स क्या है, आई से बड़ा वैल्यू वाला सिंबल है जिसका वैल्यू है 10, और इसके पहले आई का यूज हुआ है, क्योंकि पहले यूज हुआ है इसलिए क्या होगा, आई का वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा जिसका वैल्यू आएगा 9। तो इस तरह से आई एक्स का वैल्यू 9 होता है। उसी तरह से अब आगे चेन का तो दिया ही हुआ है सिंबल एक्स 10, इसी तरह से आगे हम 11 का एक्स आई, 12 का एक्स डबल आई, और आगे हम सभी नंबर्स लिखते हैं जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, केवल रिकॉल करना है। हमें इस चैप्टर में सीखना है ऐड और सब्ट्रैक्ट, हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट सीखना है, वो हम देखेंगे रोमन नंबर्स में हम कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम ऐड देखते हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझेंगे। जैसे एक्स एक्स आई वी प्लस हमें करना है एल एक्स वी, अब को इसके इसको हमें ऐड करना है। तो हम देखें, अगर हिंदू अरेबिक में इसका वैल्यू देखें एक्स एक्स आई वी तो क्या है 24, फिर प्लस ये है एल एक्स वी यानी 65। अब ये दोनों को वैल्यू ऐड करने पे, अब दोनों को ऐड करेंगे 549 और 62 89 हुआ। अब इसको वापस फिर रोमन नंबर में लिख देंगे तो 80 का क्या होता है एल एक्स एक्स एक्स, ये 80 हो गया, और 9 का आई एक्स। तो इस तरह से 89 यानी ये दोनों रोमन नंबर को जोड़ेंगे तो ये आएगा 89। तो इस तरह से हम किसी दिए हुए दो रोमन नंबर्स को ऐड करेंगे। उसी तरह से अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्ट, किसी दो रोमन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे एल एक्स आई आई है माइनस एक्स एक्स आई भी है, अब फिर उसी तरह से हम पहले इसका वैल्यू हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट कर लेंगे। एल एक्स आई आई का मतलब है 62, फिर माइनस इसको फिर कन्वर्ट करेंगे हिंदू अरेबिक में तो 24। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं 12 से 4 गया 8, 5 से 2 गया 3, 38 आया। अब इसको फिर वापस रोमन नंबर में लिख लेंगे तो 38 है, 30 का होता है एक्स 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 और 8 का होता है वी आई आई आई, तो ये हो गया 38। ये दो रोमन न्यूमरल्स को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा हमारा ये 38 एक्स 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 वी आई आई आई। तो इस तरह से हम रोमन नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, आप अपने बुक से एक्सरसाइज को बना लेंगे। थैंक यू।